हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ के लिए प्राणायाम करेंगे। पहले के भाग में हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस और सूक्ष्म व्यायाम जो हृदय रोगों के लिए उपयोगी हैं उनको किया था, आज प्राणायाम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी जो भी आसन सुविधाजनक रहे उसमें बैठिए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, आप जो आसानी से लगा सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। हाथों से वायु मुद्रा लगा लीजिए, इस तरह से पहली उंगली अंगूठे की जड़ में लग जाए और बाएं हाथ को अपने घुटने पर रख लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखिए और बीच की दो उंगलियों को बाईं नासिका पर रखिए। ये अनुलोम विलोम करने के लिए नासिका मुद्रा है। तो इस तरह से आप मुद्रा बनाएंगे तो आपको दोहरा लाभ होगा, एक तो हस्त मुद्रा लग गई और दूसरे ये नासिका मुद्रा भी बन गई। तो हस्त मुद्रा में वायु मुद्रा शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, ये शरीर से वात विकार को दूर करती है। तो हृदय रोगों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद कीजिए और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे अंदर भरिए। जब पूरी श्वास अंदर आ जाए तो बीच की जो दो उंगलियां हैं उनसे बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। बिना रुके पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरिए और अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। यह एक चक्र हुआ, इसी को रिपीट करेंगे बार बार। बाईं तरफ से श्वास भरेंगे, दाहिनी तरफ छोड़ेंगे, दाहिनी तरफ भरेंगे, बाईं तरफ से छोड़ेंगे। ध्यान रखिए श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज़ नहीं आए, बहुत ही धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर छोड़िए। सूक्ष्म गति से यह भी ध्यान रखें कि जितना समय श्वास भरने में लग रहा है उससे अधिक समय श्वास छोड़ने में लगे, इसके लिए आप मन ही मन काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने 5 गिनती गिनते हुए श्वास भरी है तो 7 या 8 गिनते हुए बाहर छोड़िए, या 10 गिनते हुए श्वास भरी है तो 15-16 गिनते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। अभ्यास को जारी रखेंगे 5 मिनट के लिए।
चक्र को पूरा करके अभ्यास को रोक दीजिए। अगला प्राणायाम होगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। विधि समझ लें, अपनी जीभ को साइड से मोड़ेंगे, नाली जैसा आकार बनाएंगे जीभ का, और होंठों को ओ की आकृति बनाकर अपनी जीभ से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे। जब श्वास अंदर आ जाए तो मुंह बंद कर लेंगे और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 5 बार करेंगे। शुरू कीजिए। तीसरा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी भी शरीर में ठंडक लाने वाला प्राणायाम है, मस्तिष्क को शांत करने वाला प्राणायाम है और ब्लड प्रेशर को कम करने वाला प्राणायाम है। तो अपने अंगूठों से कान के बीच के हिस्से को दबाएंगे। पहली उंगली आपकी आईब्रो पे रहे, दूसरी उंगली आँखों के किनारों पे रहे, तीसरी नासिका के नीचे और चौथी उंगली होंठों पे। श्वास अंदर भरकर भौंरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे। शुरू कीजिए।
चौथा प्राणायाम करेंगे उज्जायी प्राणायाम। आमतौर पर हम लोग जो उज्जायी प्राणायाम करते हैं गले के रोगों को दूर करने के लिए, उसकी जो विधि है संक्षेप में पहले वो समझिए। अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर अपने गले को संकुचित करके गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरते हैं। जब घर्षण करते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। इस तरह से पूरी तरह घर्षण करते हुए पूरी श्वास को अंदर भर लेते हैं। जब पूरी श्वास अंदर आ जाती है तो अपनी चिन को कंठकूप से लगा देते हैं, ये जालंधर बंद कहा जाता है, और यथाशक्ति श्वास को अंदर ही रोक कर रखते हैं। जब श्वास छोड़नी होती है तो जालंधर बंद खोलकर अपनी दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से पूरी श्वास बाहर छोड़ देते हैं। यह तो परंपरागत विधि है उज्जायी प्राणायाम की, लेकिन यहाँ पर हम हृदय रोग से संबंधित प्राणायाम कर रहे हैं तो उज्जायी प्राणायाम को थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। इस विधि में हम श्वास को अंदर भरेंगे और गले से घर्षण करते हुए ही भरेंगे, लेकिन आवाज़ पहले की तरह नहीं आएगी। आवाज़ आएगी सांप के फुफकारने जैसी, हिसिंग की आवाज़ आएगी, और जब श्वास को छोड़ेंगे तो भी उसी प्रकार से आवाज़ आएगी। आप एक बार देखिए। और इस प्राणायाम में श्वास को रोकना नहीं है, सिर्फ गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरना है और दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से छोड़ देना है। ना तो जालंधर बंद लगाना है, ना अंदर रोक कर रखना है। इस उज्जायी प्राणायाम से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, हृदय की पेशियां मजबूत होंगी, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों में इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो शुरू कीजिए, पहले अपनी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, फिर गले से घर्षण करते हुए सांप के फुफकारने जैसी आवाज़ निकालते हुए श्वास को अंदर भरिए। नौ बार अभ्यास हो जाए तो अभ्यास को रोक दीजिए, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपने गले पर मसाज कीजिए। ये चार प्राणायाम का क्रम था जो उच्च रक्तचाप के लिए उपयोगी प्राणायाम है, हृदय रोगों के लिए उपयोगी प्राणायाम है। अभी हम नाद अनुसंधान करेंगे। ये ध्यानात्मक विधि है, ध्यान के दृष्टिकोण से और हृदय रोगों को दूर करने के लिए, उच्च रक्तचाप को दूर करने के लिए उपयोगी विधि है। नाद अनुसंधान में ओम का उच्चारण अलग अलग करेंगे,
जैसे कि ओम तीन शब्दों से मिलकर बना है, आ ऊ और मा। नाद अनुसंधान में हम पहले 9 बार आ का उच्चारण करते हैं, फिर 9 बार ऊ का उच्चारण करते हैं, फिर 9 बार मा का उच्चारण करते हैं। अभी हम लोग 5-5 बार करेंगे यहाँ पर। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कोई भी आसन जो सुविधाजनक हो उसमें बैठिए, मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे से अंगूठे की बगल वाली उंगली को स्पर्श कीजिए, आँखों को बंद रखिए, श्वास अंदर भरकर आ का उच्चारण करेंगे मुंह खोलकर 5 बार। शुरू कीजिए, आ अब 5 बार ऊ का उच्चारण करेंगे श्वास अंदर भरकर। अब 5 बार माँ का उच्चारण होगा, श्वास अंदर भरकर होठों को बंद करके जैसे भ्रामरी में हम गुंजन करते हैं उसी तरह से माँ का उच्चारण होगा। शुरू कीजिए, Mmm.
आंखें बंद रखिए, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर भरकर ओ आंखें बंद रखिए, 5 रूप से ओम का जप कीजिए। प्रणव ध्यान अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए, चेहरे पर मसाज कीजिए, फिर हथेलियों के अंदर ही धीरे से आंखों को खोलिए। ओम